मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ चंडीशन में। फ्रेंड्स, आज हम बिग साइज का शॉपिंग बैग स्टिच करेंगे जो कि जिस तरह से है ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बिग साइज का शॉपिंग बैग स्टिच किया है। इसको हम देखिए सेंटर से ओपन करेंगे। इसको देखिए अंदर की साइड में काफी स्पेस है। टू ओपन पॉकेट देखिए इस साइड से है और ऐसे ही टू ओपन पॉकेट हमारी इस साइड है। इसमें वेजिटेबल्स भी आप इसमें शॉपिंग करते हुए रख सकते हैं। चारों पॉकेट्स में अपने शॉपिंग के सामान को इसमें सेट करते हुए इसको जिप से यहाँ से लॉक करते हैं। और ये बैग देखिए साइड से ऐसा है, बॉटम की साइड से और इस साइड से। और इस बैग को आप देखिए सैंडल से ऐसे कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैग बहुत यूजफुल है और इस बैग को स्टिच करके आप शॉपिंग के लिए यूज कर सकती हैं या ट्रेवल के लिए भी यूज कर सकती हैं। इस बैग को हमने वन पीस से रेडी किया है तो काफी स्ट्रॉन्ग भी है ये बैग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा बिग साइज का शॉपिंग बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये शॉपिंग बैग स्टिच करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वर्क। बिग साइज का शॉपिंग बैग बनाने के लिए हमने 23x38 का देखिए 1 quilted पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके quilted पीस को रेडी किया है। तो हमें 23x38 का 1 quilted पीस लेना है और 1 हमें ये प्लेन पीस लेना है। 20x23 के हमें ये 2 प्लेन पीसेस लेने हैं। 28 इंच के हमें 2 हैंडल्स लेने हैं और ये हमें 20 इंच की जिप लेनी है और इसमें हमें दोनों साइड से 2-2 इंच के फैब्रिक को लेते हुए जिप को लॉक करना है और इसमें हमें डबल अनर्स लेना है। सबसे पहले हम ये क्विल्टेड पीस लेंगे और ये हम हैंडल्स लेंगे। इसमें हम पहले यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। इस साइड से हम यहाँ पर 11.5 इंच पे सेंटर का मार्क कर लेंगे और सेंटर वाले पॉइंट से हम यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे और ऐसे ही साइड भी 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। और ये जो हमने मार्क किया है इसको हम 2.5 इंच पे डाउन करते हुए ऐसे मार्क करेंगे और ऐसे इस साइड भी 2.5 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। और ये हम हैंडल लेंगे। हैंडल को हम देखिए थोड़ा सा फोल्ड करते हुए मार्क वाली लाइन पे देखिए सेंटर में हमें रखते हुए ऐसे हमें स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से और ऐसे ही दूसरी साइड से स्टिच करके हमें हैंडल को इसमें अटैच करना है और ऐसे दूसरे हैंडल को हम दूसरी साइड में मार्क करके इसमें हम अटैच करेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए हैंडल्स को इसमें अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में। और अब देखिए हम ये हम प्लेन पीसेस लेंगे। 23x38 का प्लेन पीस लेंगे और ये हम 20x23 के प्लेन पीसेस लेंगे और इसमें से एक पार्ट को लेंगे। ये 20 का साइड है और ये 23 का साइड है तो हम 20 की साइड में इस प्लेन पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। राइट साइड अंदर की साइड में होगा और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड हम सीधे स्टिच कर लेंगे और ऐसे ही जो दूसरा प्लेन पीस है उसको भी हम 20 की साइड में देखिए फोल्ड करते हुए इस साइड से हम स्टिच कर लेंगे। दोनों प्लेन पीसेस को हमने देखिए स्टिच कर लिया फोल्ड करते हुए और अब हम देखिए इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर लेंगे। दोनों प्लेन पीसेस को हमने देखिए पलट कर राइट साइड कर लिया है और अब हम देखिए इस साइड से इसको फोल्ड करके इसमें हम सेंटर का मार्क करेंगे। और अब देखिए हम ये वाला प्लेन पीस लेंगे और इस प्लेन पीस में हम इस साइड से यहाँ पर 38 की साइड में इस साइड से यहाँ पर 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे। 4 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है और ये इसमें से एक प्लेन पीस लेंगे और प्लेन पीस को हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखेंगे। मार्क वाली लाइन पे हम देखिए ऐसे सेट करेंगे। जिस साइड हमने देखिए स्टिच किया था स्टिच लाइन हमारी इस साइड होगी और इस साइड हम मार्क वाली लाइन पे सेट करते हुए दोनों पार्ट्स को हम पिन अप कर लेंगे।
फिर से हमने देखिए प्लेन पीस को सेट कर दिया है, और ऐसे इसकी दूसरी साइड में ये जो दूसरा प्लेन पीस है उसको हमें सेट करना है। तो इस साइड हमने देखिए 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है, और ये जो प्लेन पीस है इसको भी हम देखिए इसके ऊपर ऐसे रखते हुए दोनों पार्ट्स को पिनअप कर लेंगे। इस साइड भी हमने देखिए दोनों प्लेन पीसेस को सेट कर लिया है, और अब हम देखिए यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और सेंटर में ऐसे हम स्टिच करते हुए इस प्लेन पीस को इसमें अटैच करेंगे, और ऐसे ही ये जो दूसरा प्लेन पीस हमने पिनअप किया है इस साइड भी हम स्टिच करके दोनों साइडों से प्लेन पीसेस को अटैच करेंगे। साइडों से हमने देखिए प्लेन पीसेस को अटैच कर दिया है, इसमें देखिए 2 ओपन पॉकेट्स हमारी साइड से और ऐसे इस साइड से इसमें स्टिच हो गई है। और अब ये हम फुलटेड पीस लेंगे और जिप लेंगे, हैंडल को हम देखिए डाउन करेंगे, जिप को हम इसके ऊपर देखिए ऐसे रखते हुए, और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर रखेंगे, ऐसे सेट करेंगे दोनों पार्ट्स को। राइट साइड प्लेन पीस का अंदर की साइड में होगा, और प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर रखते हुए दोनों पार्ट्स को स्टिच करके हम इसमें अटैच करेंगे फिटेड पीस में। प्लेन पीस और जिप को हमने देखिए क्रोटेड पीस में अटैच कर दिया है, और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम देखिए बैक साइड में कर देंगे, हम बैक साइड में करते हुए स्टिच लाइन को देखिए प्रेस करते हुए यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लेंगे। दाब सिलाई देते हुए साइड हमने देखिए स्टिच कर लिया है, और अब हम देखिए ये जो क्रोटेड पीस है इसको हम देखिए ऐसे टर्न करेंगे, पीस को इस साइड से हम ओपन कर लेंगे, और हैंडल को हम देखिए साइड डाउन करेंगे, दोनों हैंडल्स को एक साइड में ऐसे करेंगे, और जिप की दूसरी साइड में हम इस साइड क्रोटेड पीस को अटैच करेंगे। देखिए दोनों क्रोटेड पीसेस को ऐसे हमें बराबर में सेट करना है, और ये जो प्लेन पीस है प्लेन पीस को हम जिप के ऊपर रखते हुए सीधे स्टिच करके हम अटैच कर देंगे। इस साइड से भी हमने देखिए अटैच कर दिया है जिप को, और अब हम देखिए इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड कर देंगे। फुलटेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है, और अब देखिए फ्रेंड्स इस साइड हम पहले जिप को ओपन करेंगे, और स्टिच लाइन को हम देखिए ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ पर हम दाब सिलाई देते हुए स्टिच करेंगे। देखिए जिप को ओपन करते हुए हमने इसमें दाब सिलाई देनी है। ओपन करते हुए इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए स्टिच कर लिया है, और अब हम देखिए इसको ऐसे देखिए पलट कर बैक साइड में कर देंगे। फुलटेड पीस को हमने देखिए बैक साइड में कर लिया है, और ये जो जिप है इसको हम देखिए लॉक कर लेंगे, और अब हम देखिए ये जो हमने यहाँ पर दाब सिलाई दी है दोनों फुलटेड पीसेस को दोनों पार्ट्स को देखिए दोनों पार्ट्स को हम सेट करते हुए यहाँ पर हम पिनअप करेंगे। और ऐसे इस साइड भी हम पिनअप कर लेंगे, और अब देखिए फ्रेंड्स ये हम पाइपिंग लेंगे, पाइपिंग को हम साथ में लेते हुए स्टिच करके इस साइड से और ऐसे इस साइड से अटैच करेंगे, और स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर करेंगे। तो पाइपिंग को हम बैक साइड से ऐसे थोड़ा सा टर्न करते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच कर लेंगे, और ऐसे ही जिस साइड हमने जिप अटैच की है उस साइड से हमें पाइपिंग को टर्न करते हुए दोनों साइडों से अटैच करना है। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को टर्न करते हुए क्रोटेड पीस को देखिए अटैच कर दिया है, और प्लेन पीस भी साथ में देखिए स्टिच हो गया है, और अब हम देखिए पाइपिंग को ओपन करेंगे। पाइपिंग को हम देखिए डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे देखिए ऐसे रखेंगे, और स्टिच करके हम पाइपिंग को इसमें अटैच करेंगे, और ऐसे ही साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है, देखिए साइड भी स्टिच कर लिया है, और अब देखिए ये जो बॉटम का साइड है बॉटम की साइड में हम कॉर्नर पे
एक साइड से यहाँ पर 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क करेंगे और ऐसी इस साइड भी 4 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लेंगे और इस साइड भी हम मार्क करके बॉक्स बना लेंगे 4 इंच पे। 4 इंच पे डाउन करते हुए इस साइड भी हमने देखिए मार्क कर लिया है। जिप को हम ओपन करेंगे साइड से और कुल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे ओपन करेंगे और स्टिच लाइन को सेंटर में रखेंगे। देखिए ऐसे सेट करते हुए हमें इस साइड भी देखिए मार्क करना है और स्टिच करके इस साइड से हम इसको लॉक कर देंगे और ऐसे इस साइड भी ओपन करते हुए हम स्टिच कर लेंगे। कुल्टेड पीस को ओपन करते हुए हमने देखिए इस साइड से स्टिच कर लिया है और ऐसे इस साइड भी स्टिच कर लिया है और अब जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमने दोनों साइडों से कट कर लिया है और अब ये हम पाइपिंग लेंगे और इस स्टिच लाइन को भी हम पाइपिंग से कवर करेंगे। तो पाइपिंग को देखिए इस साइड से टर्न कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी टर्न करते हुए ऐसे हम स्टिच कर लेंगे और स्टिच लाइन को दोनों साइडों से पाइपिंग से कवर कर देंगे। दोनों साइडों से हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हम इस साइड से इसको पलट कर राइट साइड करेंगे। फोल्डेड पीस को पलट कर हमने देखिए राइट साइड कर लिया है और अब हमारा ये बिग साइज का शॉपिंग बैग बनके रेडी हो गया है। इसमें देखिए अंदर की साइड में काफ़ी स्पेस है, 2 ओपन पॉकेट्स देखिए इस साइड है और इस साइड भी 2 ओपन पॉकेट्स है। इसमें अपने शॉपिंग के सामान को आप अच्छे से सेट करते हुए रख सकते हैं। इसको हम देखिए जिप से लॉक करेंगे। ये बैग देखिए साइड से ऐसा आया है और बॉटम की साइड से ऐसा है और इस साइड से बहुत ही खूबसूरत बैग स्टिच हुआ है और बहुत ही यूज़फुल है। इसको स्टिच करके आप ट्रेवल के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा बिग साइज का शॉपिंग बैग पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।